हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायोवाल हमें। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का गेस्ट पेपर आपके सामने डिस्कस करने वाले, जो कि एग्ज़ाम 2023 के नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एग्ज़ाम नवंबर में होगा, कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो खास करके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्योंकि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट पेपर को दे चुके हैं, उनके पास डाउट नहीं रहती है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इस बार 2 घंटे का पेपर कराया जा रहा है। हर बार 3 घंटे की पेपर होता था और उसमें जो क्वेश्चन का शेड्यूल हुआ करता था वो 3 सेक्शन में होता था, 75 मार्क का हुआ करता था, 3 घंटे की टाइमिंग होती थी। ठीक, और उसके बाद आपको क्या होता था, 3 घंटे की टाइमिंग मिल जाती थी, आपसे 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछता था। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन वेरी शॉर्ट हुआ करता था, जो कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट आप लोग देख सकते हैं। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ करता था, यानी कि इतना। तीसरा होता था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो 3 सेक्शन होते थे। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन हुआ करता था, दूसरे सेक्शन में 7 क्वेश्चन होते थे, 5 आपको अटेंड करने पड़ते थे। ठीक, या फिर ये 9 भी होते थे। ठीक, 9 होते थे तो आपको 5-7 अटेंड करने पड़ते थे, या अगर 5 है तो 7 दिया करता था, आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे करने पड़ते थे। ठीक, लॉन्ग में 1 क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन आता था आपको सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे की टाइमिंग मिलती थी। लेकिन इस बार 2 घंटे के है और हो सकता है यहाँ पे आपको इस बार 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर कैसा होगा, इसका फॉर्मेट हम 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को पेपर का फॉर्मेट आपको दिखा देंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने सेक्शन होंगे, एक सेक्शन में कितना पेपर होगा, सारी चीज़ों को आपके सामने हम डिस्कस कर देंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो गेस्ट पेपर है जूलॉजी का, वो किस प्रकार से होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अगर आप इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि आप 60+70 नंबर तक पा सकते हैं, अगर आपने अच्छे से सारे टॉपिक को लिख दिया। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, आपसे पूछ सकता है इंडोसाइटोसिस क्या होता है, आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर आपने ऑस्मोसिस नहीं पढ़ा है तो आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पहला वीडियो बॉटनी का उठा के देख लेंगे, वहाँ पे आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया गया है। ठीक, 1-2 लेक्चर के बाद ऑस्मोसिस या स्टार्टिंग में ही पहला ही लेक्चर ऑस्मोसिस पढ़ाया गया होगा। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी में भी ऑस्मोसिस आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, वहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपको ओवरव्यू उसका दिया गया होगा, तब भी आपको उसका लैंग्वेज और सारी चीज़ें नोट कराई दी गई होगी। एंडोसाइटोसिस में ऑस्मोसिस और इक्सोसाइटोसिस। ठीक, एंडो और इक्सोसाइटोसिस दो साइटोसिस होती है, ऑस्मोसिस में आता है वो, आप दोनों को देख लीजिएगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये आपसे पूछने देखने को मिल सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक, और सिनेप्सिस क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मैम ने आपको पढ़ाया होगा और आपने देखा भी होगा। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ठीक, टर्मिनलाइजेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जीन इंट्रैक्शन क्या होता है। ठीक, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, पेडिग्रीनालिसिस क्या होता है, ह्यूमन कैरियोटाइप, सेलुलर जंक्शन, ठीक, एपोफाइसिस, ठीक, कोडोमिनेंस क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सेलुलर, हाँ, डीएनए सुपर कॉइलिंग, जी प्रोटीन लिंक्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक, एन्यूलोपीडी, ठीक है, एन्यूलोपीडी जिसको बोलते थे हम लोग, और ईपीओ इप्लॉयडी, ठीक, ईप्लॉयडी और एन्यूलोप्लॉयडी,
ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आप इन सारे क्वेश्चन को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमसे WhatsApp के थ्रू PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 95, WhatsApp नंबर नोट कर लीजिएगा 9598308044। आप इस पे WhatsApp के थ्रू इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक की तरफ, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछ सकता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये देखने को मिलता है। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड टारगेटिंग लिख देगा आपको, डिस्क्राइब द ब्रीफली प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, यानी कि संक्षिप्त में आपको प्रोटीन टारगेटिंग और सॉर्टिंग को बताना है, ठीक। साइटोस्केलेटन आपसे पूछ सकता है, साइटोस्केलेटन को 3 वीडियो में लगभग कवर किया गया है, अगर आप चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन के टॉपिक्स, जितने क्वेश्चन अभी तक बताया गया है, आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक। तीसरा है साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये तो हाँ ये हो गया। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मियोसिस या माइटोसिस, ठीक, मियोसिस या माइटोसिस ये आपसे पूछ सकता है, इसका पूरा डायग्राम पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेलुलर जंक्शन एंड सेल इंटरेक्शन क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। मेंडल्स लॉ क्या होता है, जो आपको पढ़ा दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। मेंडल्स लॉ, इनके 3 नियम है, तीनों नियम में से या आपसे डायरेक्ट मेंडल्स लॉ पूछ सकता है या फिर किसी एक नियम के बारे में पूछ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये ज़्यादातर पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, ट्रोसेज कंपेंसन क्या होता है, ठीक। फिर आपसे पूछ सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्स इन्फ्लुएंसेंट क्या होता है और सेक्स लिमिटेड क्या होता है, ठीक, इन्फ्लुएंसेटेड, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। जेनेटिक के चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेनेटिक वाले टॉपिक से, लेकिन जो आपका साइटोलॉजी है वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट अगर आपका लास्ट जो यूनिट है, लास्ट का यूनिट, अगर उन पे उसमें इन्फेक्शियस डिजीज आता है आपका, ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज आता है तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जियार्डिया के बारे में, ठीक है, या ट्रिपैनोसोमा के बारे में, जियार्डिया या ट्रिपैनोसोम के बारे में। अगर आपका लास्ट यूनिट क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट आप यहीं पे आप समझिए। अगला आ जाएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक, जो कि 10 नंबर का होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते थे, अगर आपके सिलेबस में इन्फेक्शियस डिजीज़ दिया है जूलॉजी में, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ दिया है, ठीक, तो अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ दिया है तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो ऐड कर दिया गया है। अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ के अलावा कहीं इम्यूनोग्लोबिन दिया गया है तो इम्यूनोग्लोबिन को BSc 4th सेमेस्टर में प्लेलिस्ट बनी होगी, BSc 4th सेमेस्टर में ये टॉपिक को पढ़ाया गया है, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। कैसे पता चलेगा कि आपका इम्यूनोग्लोबिन दिया है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ दिया है, जब आपका टाइम टेबल आ जाएगा तो आप देखेंगे जूलॉजी का पेपर का कोड लिखा रहेगा और पीछे लिखा रहेगा कि जो पेपर, उस पेपर का नाम क्या है, तो लिखा होगा साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज, तो इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है, अगर इम्यूनोग्लोबिन दिया है तो इम्यूनोग्लोबिन पढ़ना होगा, ठीक। चलिए आप बात आती है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पूछ सकता है, DNA सुपर क्लोनिंग या क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप न्यूक्लियस पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल जूलॉजिस्ट के बारे में, ये भी आपको पढ़ाया गया है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, ये भी पढ़ाया गया आपको। एपोप्टोसिस क्या होता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरनेस,
ये क्या है ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि आपको पढ़ा जाए। एवेयरनेस पिछली बार पूछा गया था, आप लोग को भी इस बार तैयार कर लेना है। ठीक, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोम एंड जियार्डिया, चाहे आपसे ट्रिपैनोसोमा पूछ सकता है का लाइफ साइकिल और जियार्डिया का। इन्फेक्शियस की प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ाया गया है। ठीक, ट्रिपैनोसोम जियार्डिया को पढ़ाया गया है प्लेलिस्ट में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट जियोलॉजी में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आप सारे वीडियोस को कवर कर लीजिए, वहाँ से आपके जितना वीडियो पढ़ाया गया है वहाँ से आपको 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक, उन्हीं जितने यूनिट पढ़ाए गए लगभग आपका 1 से 4 यूनिट और लास्ट का यूनिट पाँचवा लगभग आपके 5-6 यूनिट पढ़ा दिए गए हैं। ठीक, तो आप लोग उतनी 5-6 यूनिट तैयार कर लेते हैं, उसी में से आपका सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, और स्टूडेंट अगर आपके साथ कोई बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिफ्थ सेमेस्टर में आपके बड़े आपके साथ तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका गेस्ट पेपर बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का गेस्ट पेपर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और जल्दी हम लोग बॉटनी का भी कर देंगे, जूलॉजी का भी और बॉटनी का भी, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी और थर्ड सेमेस्टर का भी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं। हाँ, और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।